सर पहुंचता है जमीन तक, बस उंगली सड़ता है। सर कहीं जाता भी नहीं है, वहीं पे घूमते रहता है हमेशा, हम लोग का पीछे साइड आगे साइड। दो कियारी बना के छोटा छोटा लगा दिए हैं। मुस्कान को भूत का नाम लिया तो मुस्कान डर गई, मुस्कान कैमरा ऑफ कर दी। अच्छा ज्यादा देखता है इसलिए इसका आंख निकल गया है। हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और मैं जा रही हूँ छत में, और अभी सुबह सुबह का समय है और हल्का हल्का सा धूप। मनु यहीं पे बैठा है, मनु का भी चंपी करना है, मनु का हो रहा है तेल मालिश। सुबह उठ उठ चम सीधे मम्मी के पैसे, मम्मी तेल लगा दीजिए। और नाश्ता बनाना छोड़ के मनु को चंपी कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात। नाश्ता भी टाइम पे होना चाहिए और चंपी भी टाइम पे होना चाहिए ना। ऐसे सुबह सुबह धूप में बैठ के तेल लगाने से अच्छा लगता है, काश मेरा भी कोई कर देता, मजा आ जाता। फिर कर देगा, करेगा, टाइम नहीं है। चलते हैं नाश्ता बनाने के लिए। और कपड़ा कल शाम में सूखा नहीं था तो यहीं पे डाल दिए हैं, फिर बाहर निकालेंगे थोड़ा देर में, फिर गर्म हो जाएगा। मनु चला गया नीचे, अभी दौड़ने जाएगा ना। मनु दौड़ने जा रहा है ले, अभी तो तेल लगाने से पहले बोल रहा था कि दौड़ने जाएंगे। टाइम हो गया। कोई बात नहीं, शाम में चल जाना। अब मैं नाश्ता का तैयारी करती हूँ, आटा तो गूंद के रख ली हूँ, सब्जी नहीं कटा है अभी। जब मनु को लेट से होता ना तो मेरा भी बहुत लेट होता है, जल्दी जाता है तो जल्दी जल्दी मेरा काम हो जाता है, आपसी आदमी का यही काम रहता है ना। ऐसे कौन करता है, मोजा से अपने आपको झाड़ रहा है। मुस्कान गाड़ी निकाल रही है आज, हाँ पटक देना, पर पहुंचता है जमीन तक, बस उंगली सड़ता है। उंगली खाली सड़ रहा है मुस्कान को। निकालो निकालो निकालो। मेरा दोनों बच्चा लोग सुपर टैलेंटेड है, एक तो मोजा से अपने आप को झाड़ता, एक तो घर निकाल ले गई लेकिन जमीन पैर नहीं सट रहा है। आज तो मनु को डबल मेहनत करना पड़ रहा है, मुस्कान को भी निकालना पड़ रहा है, गाड़ी भी निकालना पड़ रहा है। करवाएगा ना मेरा टैलेंटेड बच्चा लोग, देखो पटकेगा। अरे हैंडल देखो, मनु कहीं ठोक ठाक तो सटा दी ना, बहुत भारी है, बैठे बैठे खाली हैंडल पकड़ रही है तो मेरा दीवार भी खराब करे। हैंडल संभाल कर रखो, अगर गिरा है ना तो देख लेना दोनों को पीटेंगे हम। हट हट हट, स्टैंड बिना लगा लो तर रही बस रो। अरे स्टैंड लग गई, चल गाड़ी पोछा कम से कम। बैठी थी कहीं किलो से गाड़ी में तुम जी, यहाँ पर देख। कपड़ा कहाँ है ढूंढ रही है, पहनी है ना, कपड़ा खोल के दे दो। मनु चला गया है और मुस्कान को भी नाश्ता में दे दी हूँ, और मेरा नाश्ता भी यहाँ रखा हुआ है। मैं अभी जा रही हूँ नाश्ता करने, और आज पीसना है चटनी। ये धनिया का पत्ता जिसका मैं चटनी बनाने वाली हूँ, धोना है इसे, धोई भी नहीं हूँ मैं, काट करके सिर्फ रखी हूँ। अंदर का काम खत्म हो गया है, अब मैं जा रही हूँ बाहर में प्याज लगाना है, और टमाटर गाछी जो मैं लाई हूँ कल वो लगाना है, तो चलते हैं। यहाँ पे लेके रखे हैं प्याज का गाछी, कल लेकर के आए थे, पानी डाल के रखे थे, पानी है इसमें अभी भी, तो मुझे तो लग रहा है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो छोटा सा जगह है, इसमें आएगा कि नहीं आएगा, जो आएगा सो आएगा। लगाना स्टार्ट करते हैं, पानी डाल के मैं रख दी थी इसको सुबह में ही, अब लगाना स्टार्ट करते हैं इसको। बाहर का काम खत्म हो गया,
प्याज लगा दी हूँ थोड़ा सा, मतलब ज्यादा जगह तो है नहीं, थोड़ा सा जगह है। तो करीब 5-6 टमाटर लगाई हूँ, मैं बाद में दिखा दूंगी। जब मैं प्याज लगा रही थी तब मैं जहाँ पे पैर रखी ना प्याज, थोड़ा सा हल्का सा मतलब चिरायता वरायता का झाड़ी है वहां पे, मतलब कि छोटा छोटा है अभी, चिरायता निकला वो झाड़ी में, तो मैं देख करके ही जा रही थी वहां से, लेकिन जहां मैं पैर रखी ना वहीं से सांप निकला। इतना जोर से ना, वहां पे हमेशा सांप, मतलब हम लोग का आंगन में पूरा चारों तरफ घूमता रहता है, कब कहाँ से पार हो जाए पता नहीं चलता है। वो तो लकी सांप के ऊपर मेरा पैर नहीं गया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। सांप कहीं जाता भी नहीं है, वहीं पे घूमते रहता है हमेशा, हम लोग का पीछे साइड आगे साइड जिधर घूमते ही रहता है, ऐसे निकलते घुस दिख ही जाता है, दिन भर में एक दो बार दिख ही जाना है। अभी मेरी चटनी पीसना बाकी है, इमली भी नहीं फुलाई हूँ मैं, धनिया का पत्ता तो धो के रख दिए है इधर, बस इमली फुलाना बाकी है, कोई नहीं शाम तक भी पीसूंगी तो पीसूंगी, मैं गोभी पीसूंगी तो पीसूंगी। और तुम क्या कर रही है मेरे पीछे से? हाँ, चावल चढ़ा दिए हैं, दाल चढ़ा दिए हैं दोपहर के लिए, और पानी भी चढ़ा दिए हैं। हमें बदमाशी करते रहती है मुस्कान। यहाँ मेरा तीनों चूल्हा फुल है, और आज मैं बनाई हूँ आलू बीन्स का सब्जी। मुस्कान का गर्दन ऐसे हिलता है, गिरगिट जो हिलाता है ना ऐसे ऐसे ना, उसे यो फिर से हिलाना मुस्कान, देखना चाहते हैं तुम्हारा गर्दन, दिखाना हिला के, दिखाना रे हिला के। मुस्कान का टैलेंट, वाह कितना टैलेंट, अरे बाप रे, अरे बाप रे, जो बोले वो तो करके दिखाई ही नहीं, जो नहीं बोले वो करके दिखा रही है। मेरा भी थोड़ा दिन में मम्मी आने वाली है, थोड़ा दिन में, थोड़ा देर में नहीं। तो मम्मी का आने से पहले नहाना होगा, नहीं तो मम्मी आएगी ना तो बहुत डांटेगी, हमेशा आती है तो डांटती है, बोलती है क्या करते रहती है देर तक, अभी तक नहा ही नहीं है, अभी तक खाना नहीं खाई है, बोलेगी सच में टाइम बहुत हो गया है, 2 बजने वाला है। आज मम्मी पक्का डांट नहीं खाएंगे, अभी हम तुरंत 5 मिनट में नहा के आ जाएंगे, मेरा पानी बस बंद ही कर देंगे। असल में क्या हुआ, मैं पानी ही मैंने चढ़ाई भूल गई, गर्म पानी या ठंडा पानी से नहाने का हिम्मत नहीं है, और मुस्कान आज ठंडा पानी से नहाई है इसीलिए ज्यादा हिल रही है। खाने के बाद ठंडा लगने लगता है तो छत में आना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए, खाने के बाद पता नहीं क्या होता है ठंडा लगना शुरू हो जाता है। धूप में बैठे बैठे सर में हो गया दर्द, तो मैं यहाँ आ गई थी थोड़ा सा लेटने के लिए, थोड़ा सा मैं धनिया का बीज भी ला करके रखी हूँ, नहीं लगाई हूँ सुबह में, तो वो भी लगाना है, तो वही सोच रही हूँ कि लगा देती हूँ ठीक रहेगा, सर अपनी जगह दर्द कर रहा है, काम अपनी जगह पे। तो मैं बीज लेकर के आ गई हूँ, इस पे बीज है, पहले का बीज है, पुराना बीज है, तो मैं इसको लगा देती हूँ, हो तो जाना चाहिए, पुराना है फिर भी हो जाना चाहिए, है ना, मुझे लगता है कि हो जाएगा। जब लग रहा है तो होना ही है। इसमें करेली का भी बीज है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी लगाने से लगेगा करेली, पहले का ला के रखा हुआ है, धनिया डाल कर देखते हैं, धनिया तो हो ही जाना चाहिए। इसी तरह लगाया जाता है ना, मैं इसी तरह लगाती हूँ, ऐसे ही धर के छीट देती हूँ हल्का हल्का, इसके ऊपर से मैं अभी मिट्टी डालूंगी। दो क्यारी बना के छोटा छोटा लगा दिए हैं, और इधर लगाए हैं प्याज, यहाँ पे टमाटर, ये रहा टमाटर, किनारे किनारे में थोड़ा सा टमाटर लगा दिए हैं, इधर प्याज, दो क्यारी छोटा छोटा सा है। चलते हैं, ठंडा लगने लगा, शाम हो गया है, ठंडा लग रहा है। जैकेट होता है पहनने के लिए, जैकेट को गोदी करके बैठी है, और मैं बर्तन बिना धोए बाहर गई थी, क्योंकि मिट्टी में काम करने से ना हाथ पूरा गंदा हो जाता है, तो मैं सोची कि पहले मिट्टी वाला काम करती हूँ उसके बाद बर्तन धोती हूँ, ताकि मेरा हाथ भी साफ हो जाए। ये है हाथ साफ करने का ट्रिक, पहले मिट्टी में काम करो, उसका कपड़ा धो या फिर बर्तन धो, हाथ अपने आप साफ हो जाता है, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है उसके बाद। भैया जिम चला गया, तो हम लोग सोचे थोड़ा घूम के आते हैं, हम लोग कितना घर में बैठे बैठ बैठ तो बोर हो गया, भैया को तो एक मौका मिल जाना चाहिए तो घूम भी लेते हैं। अरे अंधेरा होने वाला है, तब हम लोग घर लौट रहे हैं, क्योंकि अंधेरा हो गया है,
बस थोड़ा थोड़ा हो सकता है घर पहुंचते तक अंधेरा हो भी जाए। देखिए यहाँ कोई नहीं है, तुम सब खाली है, पूरा खाली हम ही लोग हैं यहाँ पे। हम ही लोग हैं यहाँ पे जो भूत की तरह घूम रहे। भूत कहाँ से रे, भूत जैसे दिख रहे हैं। रात तो हुआ नहीं अभी, रात को 12 बजे के बाद भूत निकलता है आना यहाँ पे। मुस्कान को भूत का नाम लिया तो मुस्कान डर गई, मुस्कान कैमरा ऑफ कर दी। आप पूछ रही है मम्मी सच में? मुस्कान डर गई, मजाक कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ठंडा हाथ, गंदी लड़की ठंडा हाथ चटा रही है मेरा मुंह में। ये लोग दोनों भाई बन के एक ही आदत है, दोनों जन यही काम करता है। हाँ ठंडा रहेगा तो लाके मेरा गाल में चटा देगा ये लोग। घर पहुंच गए। कौन सा स्टाइल है बोलने का तेरा, है? ऐसा कौन बोलता है बताओ? हम बोलते हैं, हम बोलते हैं। कहीं जाने से बहुत दिक्कत होता है, पहले तो ताला बंद करो, फिर आने के बाद ताला खोलो, बहुत टेंशन है भाई। उसके बाद फिर मेरा भी क्लास मिला, उसका टेंशन है। अभी मुझे क्लास भी है। मुस्कान का दोस्त लोग और उसमें से बीच वाला क्या नाम है बताओ? मोटू। उसका नाम मोटू से इसका नाम मोटू हो गया। अब उसका आंख निकल गया, इधर लाओ तो। उसका आंख निकल गया, कोई चिंता नहीं है। इतना देखता है, इतना देखता है क्या? अच्छा ज्यादा देखता है इसलिए इसका आंख निकल गया है। आंख निकाल के रख दी उसका। कौन निकाला है? यही लोग आपस में लड़ाई कर रहा था का? हम निकाले हैं। देखो इसका आंख निकाल दी, मुस्कान फोड़ दी इसका आंख। मोटू का ऑपरेशन सफल हो पाता है कि नहीं हो पाता है, फिर मिलते हैं आप लोग से कल। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।